हाय ऑल, वेलकम बैक। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले लिया था। माय कंप्लीट डे, एक बिजी वीकडे व्लॉग है, कुछ सिंपल रेसिपीज भी इंक्लूडेड है। सो कीप वॉचिंग। तो मेरा डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग 5 o'clock को, पहले के रूटीन से काफ़ी अलग। उठते ही किचन में पहले वॉक के लिए जाती थी, लेकिन अब नॉट पॉसिबल क्योंकि रिद्या का स्कूल टाइम अब सुबह का है। ये आटा है जो मैंने कल रात को ही गूंद कर रख दिया था। रिद्या की टिफिन की तैयारी। बस दो रोटी ही लेकर जाती है, साथ में आम का मुरब्बा। छः बजे तक उसका स्कूल बस आ जाता है, तो उसकी तैयारी। फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मेरे हेल्पिंग हैंड मोस्ट ऑफ द डेज मॉर्निंग टी वही बनाते हैं। इनकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी। सुबह की चाय हम साथ में ही लेते हैं। अन्नू अब भी सो रही है और वो अपने स्टूडेंट्स की बुक चेकिंग और क्वेश्चन पेपर्स बनाने में बिजी। और मैं बाकी रोटियां बनाने में। रोटी के साथ लेने सब्जी की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ कैबेज, कैरेट और आलू की एक मिक्स सब्जी। कढ़ाई की गरम होते ही उसमें तेल, राई, राई स्प्लटर होते ही उसमें थोड़ा सा जीरा, कटी हुई सब्जी, हल्दी, नमक, साथ में टमाटर और कुछ हरा मिर्च। और पकने के लिए थोड़ा सा पानी।
सब्जी पकने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। बस उसे और थोड़ी देर और पकाइए और सब्जी रेडी। अपने लिए डिटॉक्स वाटर, कुछ स्लाइस क्यूकुम्बर, एक लेमन और एक छोटा पीस जिंजर। हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट एटलीस्ट डिटॉक्स वाटर बिना भूले ले लेती हूँ। क्लासेस कंडक्ट करने हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर गए और अब मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। Now after breakfast it's laundry time. तुरंत ही लंच की प्रिपरेशंस मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि अन्नू उठने के पहले सारा काम हो जाए। आज बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया कोकोनट ऑयल, उसमें कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च, नमक, हल्दी और अनियंस को अच्छी तरह से सॉटे करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ भिंडी। उसको भी अच्छी तरह से सॉटे करना है। पानी बिना ऐड किए हम लोग भिंडी को कुक करेंगे। अब सब्जी का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगी कुछ पीसेस कोकोनट के। इसको हल्का सा रोस्ट करना है, तब तक मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटोज। कोकोनट को हल्का सा रोस्ट होते ही हम उसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इनको अच्छी तरह से रोस्ट करना है।
मसालों की ठंडा होते ही हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। भिंडी अच्छी तरह से पक गई है, उसमें हम ऐड करेंगे मसालों का पेस्ट। साथ में थोड़ा पानी। थोड़ा सा उबाल आने पर हम उसमें ऐड करेंगे इमली का पानी। ये इमली मैंने गर्म पानी में सोख करके रख दिया था, उसे अच्छी तरह से उबालना है और भिंडी की सब्जी रेडी। मसाला थोड़ा सा बच गया था तो उसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अनन्या के लिए प्लांटेन, अनु 9:30-10 तक उठ जाती है, अब उसको फ्रेश कराना और ब्रेकफास्ट खिलाने में मैं बिजी। बारह तक हस्बैंड घर आते हैं और अनु को बिजी रखते हैं ताकि मैं बाकी का काम संभाल लूं। अब घर का हाल कुछ ऐसे होता है, एक क्विक क्लीनिंग। रिद्या भी स्कूल से आ जाती है, टाइम फॉर लंच। किचन का भी एक क्विक क्लीनिंग। लंच के तुरंत बाद ही अनन्या सो जाती है, लेकिन रिद्या को सुलाना थोड़ा सा मुश्किल बात है, उसे ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। 1 आवर का नैप लेती है वो। और मैं फिर से किचन में इवनिंग स्नैक्स की तैयारी। तो उस स्नैक्स के लिए आज मैं बना रही हूँ फालूदा, इसलिए मैंने दे लिया थोड़ा सा दूध और उसमें एक गिलास पानी ऐड किया। और मैं ऐड करूँगी फालूदा मिक्स, ये रोज़ फ्लेवर्ड फालूदा मिक्स है। 10-15 मिनट्स अच्छी तरह से कुक करेंगे तो ये बन जाता है। स्नैक्स के बनते ही मैं थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ दिन में थोड़ा थोड़ा एडिटिंग कर लूँ।
फिर रिद्या की पढ़ाई, लेसन्स वगैरह जो डेली उनको मिलते हैं मैं उसे एक और बार समझा देती हूँ, और तभी के पोर्शंस तभी ख़त्म कर देती हूँ ताकि बर्डन नहीं हो। यहाँ पे अनु अपना मैंगोज एंजॉय कर रही है। रित्या को बिल्कुल पता नहीं है कि कैमरा ऑन है। उसके बाद दोनों अपना स्नैक्स एंजॉय करते हैं। कुछ मैंगोज की पीसेस भी मैंने ऐड कर दिया फालूदा में। रिद्या का फेवरेट फ्रूट है। अब मेरा शावर लेने का टाइम। इवनिंग में मुझे ब्लैक कॉफी लेना बहुत अच्छा लगता है। पाँच बजते ही ट्यूशन्स लेने का टाइम। ट्यूशन्स लेना मैंने फिर से शुरू कर दिया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप। आई लव टीचिंग एंड इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम टू। बच्चों के बीच में टाइम कैसे कटता है पता ही नहीं चलता। ट्यूशन्स के बाद कुछ क्लीनिंग, उसके बाद तुरंत ही अनु का डिनर का टाइम। और सबसे प्यारा टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। डेली मैं ट्राई करती हूँ उनके साथ 2 आवर्स तो भी स्पेंड करूँ। रिद्या वो टाइम पर अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करती है, तब मैं बाकी कामों में नहीं जाती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ। जब रिद्या पढ़ाई करती है तो अनु को भी बुक्स वगैरह चाहिए रहता है, वो भी स्क्रिबलिंग वगैरह करती है बुक में। फिर उसके पापा आने के बाद हम लोग साथ में डिनर करते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक दिन ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट यही रूटीन रहता है, बट इट्स लाइफ राइट। रोज़ एक जैसे नहीं होता है। तो होप आप लोग ने वीडियो एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलूंगी आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।